परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साहिब सिंह जी वाहेगुरु सारे सिंह इंग्लैंड के वक् वक् शहरों विचों अज इत्थे एकत्र होए। सारे सिंघां ने बैठ के बड़े प्रेम के नाल आपस विच विचार करके आने वाले समय में दमदमी टकसाल जथा भिंडरा मेहता की सरप्रस्ती विच तुहाडे सारे सिंघां दे सहयोग नाल, क्योंकि जथेबंदी दे बैनर थले तुसीं सारे इकट्ठे हो जाणा। दमदमी टकसाल अपनी माता रूप जथेबंदी है, मां की गोद विच सारे ही आके बैठ जाते हैं। इस करके आपां सारिआं ने सब तो पहला प्रोग्राम यह इत्थे नियत किया गया कि वक् वक् महापुरखों दीआं बहुत बरसियां संगत बड़ी श्रद्धा नाल मना रही है। जिहड़े भी सिंघ मनाउंदे है उन्हां दा मैं धन्नवाद ही करदा, पर आपां नूं जो दमदमी टकसाल दे विच्चों सानूं सिक्ख्या मिली आ उह इह है कि गुरु साहिबाना दे गुरपुरबां नूं पहल देनी, गुरपुरब पहला मनाउणा और वड्डी पद्धर ते मनाउणा। दमदमी टकसाल विच हर गुरपुरब ते सहज पाठ खंड पाठ करके सतगुरां दी अरदास कीती जांदी है और सचखंड श्री हरिमंदर साहब सारे गुरपुरबां दी अरदास हुंदी है। गुरपुरबां दे मनाउण नाल साडे बच्चिआं नूं सतगुरु दा इतिहास सुणन नूं मिलेगा, सतगुरु ने जिहड़ी बाणी उचारण की उहदी कथा सुणन नूं मिलदी है, ते गुर इतिहास नाल संगत जुड़ जांदी है। इस करके जिहड़ा गुर इतिहास नाल गुरबाणी नाल जुड़ गया उह सिक्खी विच परपक्क हो जांदा। इस करके सारे सिंघां ने विचार कीती है कि दमदमी टकसाल दा जिहड़ा स्थापना दिहाड़ा 1722 बिक्रमी और 1705 ईस्वी में 23 सावन वाले दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी सतगुरां ने कंठों उचारण करनी आरंभ की तख्त श्री दमदमा साहिब, और जिस गुरबाणी नू 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलों में एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक अमर शहीद धन भाई मनी सिंह जी नूं सतगुरां ने लखावी लाया, जिन्हां दे नाल सारी सेवा अमर शहीद दमदमी टकसाल दे पहले मुखी धन धन बाबा दीप सिंह जी ने कलमा घड़ के स्याही तैयार करनी, अंग तैयार करने, उन्हां दे सहयोग नाल इह गुरबाणी की सारी लिखत गुरु के सिखां ने सतगुरु की अगवाई विच कीती। अमृत वेले सतगुरु बाणी उचारदे नाल नाल गुरबाणी सारी लिखी जाती, शाम नूं महाराज सच्चे पातशाह उस गुरबाणी के अर्थ 48 सिंघां नूं अपने मुखारबिंद तो सुनाउंदे, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी संपूर्णता तक श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी होई उह 1763 बिक्रमी और 1706 ईस्वी मैं विसर गया सी, कत्तक की पूर्णमाशी में गुरबाणी का पाठ आरंभ होया, लिखत आरंभ हुई, कथा आरंभ हुई और 23 सावन में संपूर्णता हुई। इवों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का यह संपूर्णता गुरपुरब भी है और दमदमी टकसाल का यह स्थापना दिहाड़ा भी है। उस दिन इंग्लैंड दे विच सारे सिंह मिल के बड़े प्रेम दे नाल यह स्थापना दिहाड़ा मनाया करो, जिदे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की तस्वीर, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की तस्वीर, अमर शहीद धन भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी दिया और उदों तो लैके 15 मुखी जिन्हां ने वक् वक् समयां च कौम की पंथ की सेवा की, हल्ले उन्हां महापुरखां दी तस्वीरां ला के वड्डा बैनर बना के वो इक्को दिन ही सारे समागम 2 दिन का रख लो 3 दिन का रख लो ये किया जाए और इंग्लैंड की धरती से सारे सिंह मिलकर मनाया करनगे। दूसरा वड्डा फैसला किया कि आने वाले समय में सुहावनी रुत गुरद्वारा श्री गुरु हर राय साहिब बिस्त ब्रह्मच इस टाउन के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुद्ध पाठ बोध
एक महीने संगतां नूं सरवण करवाया जाएगा जिहदे विच सारे इंग्लैंड विचों सारियां संगतां नूं उत्थे उस अस्थान ते एकत्र करके रोजाना ही पाठ बोध दे विच शामिल करनी आपां सारे ने मेहनत करनी है ताकि माई भाई नौजवान बजुर्ग बच्चे उस पाठ बोध विच शामिल होण ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुद्ध पाठ बोध आपां सारे सतगुरु जी की हजूरी विच बैठ के उस गुरबाणी दे शुद्ध उचारण का ज्ञान प्राप्त करिए। इस करके पहली बार इंग्लैंड की धरती से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुद्ध पाठ बोध होएगा और वह भी दमदमी टकसाल जथा पिंडा मेहता वालों तुहाडे सहयोग नाल कीता जाएगा। उस विच भी तुसी सारे ने अज तो तैयारियां आरंभ कर लो ते कोई दिन निश्चित कर लो कि किहड़े दिनां विच आपां इह समागम करनी। तीसरा है कि जून 84 का घल्लूघारा लगभग अज तो 39 साल पहला उस समय की जालम हुकूमत ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब से तोपां टैंकां दे नाल हमला किया। श्री हरिमंदर साहब न गोलियां का निशाना बनाया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने गोलियां का निशाना बनाया, अणगिणत संगतां नूं बड़ी बेरहमी दे नाल शहीद किया जिहदे विच बजुर्ग मातावां बजुर्ग सिंह छोटे छोटे बच्चे पटंगी पटंगणा और जूझण वाले जुझारू सिंह जिन्हां दी सारिआं दी अगवाई दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी महापुरख कथनी करनी दे पूरे सूरे महाबली योधे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले कर रहे सन, जिन्हां दी अगवाई हेठ अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी उस समय प्रधान आल इंडिया स्टूडेंट्स फैडरेशन, अमर शहीद जनरल सरदार सुबेग सिंह जी, अमर शहीद जथेदार बाबा ठारा सिंह जी, ये साढ़े जून 84 के तीसरे घल्लूघारे के श्रोमणी शहीद है। इन्हां समूह शहीदां की याद दुनिया भर में बैठा सिख मनाउंदा। इस करके वह घल्लूघारा जो उस समय की जालम हुकूमत ने सानू जबर का और जुल्म का निशाना बनाया, सिखां दे केंद्री अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते घेरा पा के हमला किया, वह जिहड़ा एक बहुत ही दर्दनाक ये शहीदी साका, ये आपां वड्डी पद्धर ते लंडन दे विच उस इलाके चो सिंह आए सारे सारे सिंघां ने बैठ के गुरमता कर लिया कि वह जिहड़ा मजारा शहीदां दी याद विच कीता जांदा उस तो अगे पिछे कोई डेटा जे 14, 15, 16 जून पक्का हो गया फिर उस दिन ते नहीं तो अगे पिछे जो भी तुहानूं ठीक लगे वो 3 दिन लई जां 4 दिन लई वो शहीदी घल्लूघारा शहीदां दी 40 साल याद 40 साल शहीदी ये वड्डा समागम इंग्लैंड दी धरती ते उलीकिया गया ते उहदे विच वी तुसी सारे ने वध चढ़ के सहयोग देना ते वध चढ़ के तन मन धन नाल सेवावां करनियां। ये प्रोग्राम तुसी सारिआं ने चढ़दी कला नाल अपना सहयोग दे के सतगुरु जी अगे अरदास करके इन्हां नूं सफल बनाउणा, ये बेनतियां सारी संगत ने प्रवान करनियां, भुला चुका खिमा करनियां। तुसी जिन्ने भी इंग्लैंड तो इस वक्त सारे सिंह माई भाई आए हो तुसी जथेबंदी का बहुत वड्डा सन्मान किया, मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं रोम रोम करके तुहाडा ऋणी हाँ, रोम रोम करके दिल की गहराई विचों तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। तुसी तान मन धन नाल हर तरह का सहयोग हर तरह की सेवा जो चाह तुसी इस मेरी दमदमी टकसाल के सत्कार विच कीता जां दिखाया वो भी एक विलक्षण याद बन गई है। मानो जिवें ब्याह दे वर्गा चाह हुंदा इन्ना चाह उत्साह तुहाडा वेख के दुनिया भर के सिख जिहड़े आ बहुत प्रभावित होए, तुहाडा हिरदा उस चाह नाल इन्ना क भरिया होया सी कि हर सिंह इस तरह लगा होया सी कि मैं आ सेवा करदिआं मैं आ करदिआं, मतलब सब कुछ कुरबान करन नूं तुसीं अग्गे वध चढ़ के एक दूजे तो अगे हो के सेवा कीती है। सो इसलिए मैं तुहाडा रोम रोम करके रही हाँ, रोम रोम करके सारे का धन्यवाद करदा ते सारी संगत कोलों इत्थे मेरे कोलों विचरदे आ किसी की शान के खिलाफ कोई शब्द निकलिया होवे
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕਿਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।